अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे आपकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ, शुक्र है अल्लाह का। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फैमिली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड। जिनकी फैमिलियाँ पुर्तगाल से बाहर है, अपनी कंट्री में पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी कंट्री से वो ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी फैमिली फ़िलहाल पुर्तगाल में मौजूद नहीं है, अपनी कंट्री में बैठी हुई है, तो आज की वीडियो में उनके रिलेटेड बात करने वाले हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को कर ले सब्सक्राइब और प्लस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूं आज से 1.5 साल या 1 साल पहले की, तो यार ये फैमिली वाला जो सिस्टम था, जो डेट थी, कॉल करके सेफ में बड़ी इजीली मिल जाती होती थी। कॉल करनी है, एक दफ़ा नहीं मिली, दो दफ़ा नहीं मिली, आधा घंटा नहीं मिली, घंटा नहीं मिली, लेकिन कॉल मिल जाती होती थी। कॉल मिलती थी, हम अपॉइंटमेंट बुक कर लेते थे। ये सिस्टम हमें बहुत अच्छा लगता था। एक पेपरों का सिस्टम हमें बहुत अच्छा लगा कि पुर्तगाल में बंदा आता है, पेपर अपने सबमिट करवाने के बाद, टैक्स देने के बाद, उसके पेपर बड़ा इजीली जो है ना वो मिल जाते थे, उसको कार्ड मिल जाता था। 2 साल तकरीबन लग जाते थे, 1 साल में भी लोगों को मिले हैं, अब जो टाइम लग रहा है वो 2 साल लग रहा है, ठीक है। तो 2 साल के अंदर अंदर बंदा कार्ड ले लेता था। उसके बाद उसका टारगेट क्या होता था, फैमिली की अपॉइंटमेंट बुक करना, फैमिली को पुर्तगाल में ले कर आना। और बड़ा ईजी था ये कि आपने सेफ में कॉल की, मैंने खुद की थी, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के अंदर लाजमन कॉल मिल जाती थी और डेट भी बुक हो जाती थी, ख़ास करके जब पता हो कि डेटे ओपन है। आजकल जो सिचुएशन सूरत हाल चल रही है यार, डेटों की बहुत बैड चल रही है कि आप सेफ में कॉल लगाओ, ठीक है। लास्ट टाइम जैसे कि सुना था कि डेटे ओपन है, मैंने खुद, मेरे 3 दोस्तों ने फुल ट्राई किया, ठीक है। अभी भी शायद मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हो कि मैंने कितनी कॉलें की हैं। मेरे एक दोस्त ने भी सुबह 8 बजे वो स्टार्ट हुआ है बंदा, रात तक वो लगा रहा है, तो कहते यार कॉल मिलती नहीं है, हद से ज़्यादा भी उसने जब कॉल की है, कॉल आगे से चलती है, फिर 3 मिनट बाद खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, कॉल मिलती नहीं है। अब ये सिस्टम क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं। अगर फेसबुक पेज पर हम पोस्ट कोई अपलोड करते हैं, यार मेरे को डेट फैमिली की चाहिए, मेरे को कार्ड रीन्यू करवाने की डेट चाहिए, यार मेरा PCC टेस्ट नहीं हो रहा, यार मेरा फ्लां पंगा पेपर सबमिट, ये वो जो भी पोस्ट अपलोड करते हैं, अब होता क्या उसके नीचे कमेंट आ जाता है कि भाई मेरे साथ इनबॉक्स में रबता करो, ठीक है। फिर मैं समझे कि चस्के लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए मैंने रबते किए भी है दोस्तों से, उनसे जो कहते हैं कि मेरे साथ रबता करो, ठीक है, रबते करते हैं। आगे से क्या होता है, एजेंटियाँ चल रही है कि मेरे को 50 यूरो दे दो, मेरे को 250 यूरो दे दो, मेरे को 300 यूरो दे दो, मैं फाइल सबमिट करने के 400 लूँगा, ठीक है। ये सारी एजेंटियाँ चल रही है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई मैं सुबह से लेकर शाम तक कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल मिल नहीं रही, फैमिली डेट बुक नहीं हो रही, मेरे को ये पंगा हल हो नहीं रहा, भाई तू कैसे करके देगा, ठीक है। तो ये सारी एजेंटियाँ चल रही हैं, पता नहीं अंदर क्या सिस्टम ऐसा है, क्योंकि जब तक हम लीगल चल रहे थे, डेट खुद बुक करते थे, बड़ा ईजिली मिल भी जाती थी, इजी भी होता था, बंदा पेमेंट नहीं देता कोई मसला नहीं है, तसल्ली होती थी, यकीन होता था कि यार मैंने खुद जो है ना ये काम किया है। अब एजेंटों के थ्रू करवा रहे हैं, पेमेंट अलग से दे रहे हैं, काम वो भी वही करके दे रहे हैं, हमने भी वही करने हैं। जो लोग यहाँ पे पुराने रह रहे हैं, जिनको 3-4 साल हो गए, सभी चीज़ों का उनको पता है, लेकिन मसला ये है कि जब हम लोग खुद ट्राई करते हैं होती नहीं है, एजेंट जब ट्राई करते हैं तो हो जाता है काम। तो 2 नंबरियाँ चल रही हैं हर तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो अदारा नया बैठा है, ठीक है, उम्मीद करते हैं यार ये कुछ ना कुछ बेहतरी करेगा, ये फैमिली के रिलेटेड के फैमिली अपॉइंटमेंट में भी, कि वो ऑनलाइन कर दे के मतलब आप ऑनलाइन जाके बुक कर सकते हैं, ये तो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे एजेंटों की जो है ना धजियाँ उड़ जाएंगी, वो क्या करेंगे, वो नहीं आपसे पेमेंट लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप खुद बुक कर सकते हो, ये सिस्टम अगर उन्होंने निकाल दिया, तो इसमें यह है कि आपको 4 मंथ बाद की मिले, 6 मंथ बाद की मिले, साल बाद की मिले, बंदा कम अज़ कम मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि यार एटलीस्ट मेरे पास 6 मंथ बाद की डेट है, तो मैं 6 मंथ बाद जाके अपनी फैमिली का अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल की जो सूरत हाल है वो बहुत बैड है, फैमिली के रिलेटेड बंदा कोई किसी को अथेंटिक बात नहीं बता सकता कि हाँ इस दिन ओपन होंगी, इस दिन आप ट्राई करना, आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्र करें, थोड़ा इंतज़ार करें। लास्ट टाइम जब मैंने डेटे उठाई थी आज से तकरीबन 1.5 साल 1.5 साल पहले, तब मैंने 4 दोस्तों को उठा के दी थी, तो बड़ा इजीली था कि कॉल मिलानी है, चाहे आधा घंटा लगा घंटा लगा, लेकिन कॉल मिल जाती थी, डेट मिल जाती थी। लेकिन अब जो है ना, जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लो, कॉल ही नहीं मिलनी आपकी। लेकिन अब जो नया अदारा बैठा है, ठीक है, थोड़ी सी उम्मीद रखे, थोड़ा सब्र करे, निज़ाम वो कुछ ना कुछ बेहतरी करने के लिए। जैसे कि आपको पता है, कोई भी बंदा नया कुर्सी पे बैठता है, उसका दिल यही होता है यार मैं 100% राइट और अच्छा दूं, ताकि लोग मुझे पसंद करें, ठीक है।
तो जब भी कोई नई अपडेट होगी मैं लाजमन वीडियो बनाऊंगा, लाजमी आपको लोगों को बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।